हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास इलेवेंथ और क्लास टेंथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण तथा आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण तथा आवर्तिता पर हम चर्चा करेंगे। किसको बोलते हैं पीरियडिसिटी, ये क्लास इलेवेंथ में थर्ड चैप्टर है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण तथा आवर्तिता। और हाई स्कूल क्लास टेंथ में ये आवर्त सारणी के नाम से चैप्टर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी किसको बोला जाता है, आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचें तो तत्व की खोज धीरे धीरे होने लगी, तो उसमें तत्वों की जैसे जैसे खोज हुई वैसे वैसे अलग अलग समूह में या अलग अलग स्थान पर हम रखें तो उसका अध्ययन थोड़ा सा कठिन होगा। वैज्ञानिकों ने, और इन वैज्ञानिकों में सबसे पहले मेंडेलीव ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम समान गुण वाले तत्वों को एक साथ एक समूह में रख दें। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम इतिहास पर अगर चर्चा करें तो सन 1800 में लगभग 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। 1800 तक में 31 एलिमेंट्स की खोज हुई। 1869 का समय आया और इसमें मेंडेलीव ने तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने का काम शुरू किया और 58 एलिमेंट्स हो चुके थे। 58 एलिमेंट्स तब तक 1869 तक हो चुके थे। मेंडेलीव ने ऐसा बीड़ा उठाया कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए। अब वो गुण क्या होंगे उस पर, तो मेंडेलीव के दिमाग में विचार आया परमाणु भार का। उन्होंने देखा तो उस समय देखा कि एक निश्चित परमाणु भार के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो समान गुण वाले तत्वों का जिसका परमाणु भार जो भी था समान गुण थे तो उनको एक साथ एक समूह में स्थान दे दिया। इसमें इसके साथ 1871 में इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई जिसको कि मेंडेलीव आवर्त सारणी बोला जाता है, मेंडेलीव आवर्त सारणी। मेंडेलीव आवर्त सारणी का निर्माण 1871 में होता है। क्या था इनका विचार, तो मेंडेलीव का आवर्त नियम मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या था, पीरियडिक लॉ ऑफ मेंडेलीव, पीरियडिक लॉ ऑफ मेंडेलीव। मेंडेलीव का आवर्त नियम था, सबसे पहले तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने का श्रेय मेंडेलीव को जाता है। 1869 में इन्होंने व्यवस्थित करना 58 तत्वों को शुरू किया। 1871 में मेंडेलीव की आवर्त सारणी बन करके चली आई। इन्होंने बताया मेंडेलीव के अनुसार कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार यहाँ पे मुख्य था, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का क्या है अर्थ है
कि एक निश्चित परमाणु भार के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स The physical and chemical properties of elements are periodic function function of their atomic weight. The physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic weight. यानी कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात एक निश्चित परमाणु भार के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। 1800 में 31 एलिमेंट्स ज्ञात थे। 1869 में मेंडेलीफ ने ज्ञात 58 तत्वों को एक निश्चित क्रम में उनके गुण के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करना शुरू किया। 1871 में पहली आवर्त सारणी बनकर के सामने आई, जिसको कि मेंडेलीफ की आवर्त सारणी बोला गया। किस आधार पर बनाया गया, तो एटॉमिक वेट के आधार पर बताया गया। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या है, कि एक निश्चित परमाणु भार के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। आगे चल करके यही आएगा, आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी बात एटॉमिक वेट, हम मेंडेलीफ की आवर्त सारणी पर चर्चा करें। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात एक निश्चित परमाणु भार के बाद समान गुण वाले तत्वों की रिपीटिंग होगा, पुनरावृत्ति हो। मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में, मूल आवर्त सारणी में क्या है, 12 क्षैतिज खाने थे, जिसको कि श्रेणी बोला गया, श्रेणी सीरीज। 12 क्षैतिज खाने थे, जिसको कि सीरीज बोला, और इनकी आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिनको कि वर्ग ग्रुप बोला गया। 12 क्षैतिज पंक्तियां, 12 हॉरिजेंटल लाइन थी, जिसको कि सीरीज बोला गया, और 8 वर्टिकल लाइन थी, जिसको कि ग्रुप बोला गया। तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को एक साथ व्यवस्थित करने का काम शुरू किया मेंडेलीफ ने। अब क्या आया इसमें, इनकी विशेषताएं क्या क्या थी, इनकी आवर्त सारणी का, इसको हम मिटा दें। तो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता ये थी कि पहला तो परमाणु भार के आधार पर बना दिया गया, दूसरा था कि 12 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिसको सीरीज, और 8 ऊर्ध्वाधर खाने थे, जिसको वर्ग अथवा समूह बोल दिया गया। चूंकि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ स्थान दिया, इसके कारण से तत्वों का अध्ययन आसान हो गया। हम केवल एक तत्व का गुण जानते थे, उसके नीचे जितने तत्व उपस्थित थे सबका गुण एक समान था, इसलिए हमको तत्वों के अध्ययन में आसानी हो गई मेंडेलीफ के आवर्त सारणी के द्वारा। मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया, जो परमाणु भार नहीं उनको मालूम था, कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए, जिससे क्या हुआ कि बाद में हम देखें कि इसका एटॉमिक वेट इसके बीच में आता है, तो यहाँ पे रखना सही है, तो वहाँ पे ले जा करके परमाणु को रख दिया गया। इससे कई तत्वों की खोज में भी आसानी हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, तमाम
उपयोगिता होने के बावजूद कमियां निश्चित रूप से सबके अंदर निकल करके आती हैं, उसी तरीके से मेंडलीफ के आवर्त सारणी में भी कमी आई। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक साथ एक समूह में रखा, लेकिन इन्हीं सब विशेषता ये सब विशेषताएं ही इनका दोष का कारण भी बनी। क्या था लिमिटेशंस? लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या था लिमिटेशंस, क्या क्या दोष थे, क्या क्या कमियां थी? तो इन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक साथ एक समूह में रखा था, लेकिन इनके आवर्त सारणी के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि कहीं कहीं विभिन्न गुण वाले तत्वों को भी एक साथ एक समूह में रख दिया। जैसे क्षार धातु फर्स्ट ए, जिसको एल्कली मेटल बोला जाता है, एल्कली मेटल एंड क्वाइन मेटल, सिक्का धातु, क्वाइन मेटल, इनके गुणों में बहुत अधिक भिन्नता होती है, उसके बावजूद एक साथ इन्होंने क्षार धातु एल्कली मेटल है और सिक्का धातु क्वाइन मेटल है, क्वाइंस मेटल, इनके गुणों में बहुत अधिक भिन्नता है, उसके बावजूद इनको एक साथ फर्स्ट ए ग्रुप में रख दिया, पहले समूह में स्थान दे दिया। फर्स्ट ए था या जो भी था, पहले ऊर्ध्वाधर खाने में रख दिया इन्होंने। फिर इनकी आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख करके बनाई गई थी, यानी कि जिसका परमाणु भार कम है वो पहले रहेगा, जिसका परमाणु भार अधिक है वो बाद में रहेगा, ऐसा मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तैयार किया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि जो आप रूल बनाते हो और उसके अगेंस्ट आप चलने लगोगे तो अंगुली उठाने वाले अधिक रहेंगे कि आप खुद तो बनाए थे कि रूल ऐसे होगा, फिर खुद ही तोड़ रहे हो आप, तो वो ब्लंडर माना जाता है। तो इनकी आवर्त सारणी में 18 आर्गन, 40 को 19 पोटेशियम 39 के पहले रख दिया, जबकि आप नियम बता रहे हो कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, तो इसको आगे होना चाहिए था, इसको पीछे होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये 18 आर्गन 40 को पहले रखा और 19 पोटेशियम 39 को बाद में रखा। इसके कारण से इनकी आवर्त सारणी पे सवाल उठे कि अधिक परमाणु भार वाले को पहले आप स्थान दे रहे हैं, कम परमाणु भार वाले को बाद में स्थान दे रहे हैं। फिर तब तक आगे चलते चलते खोज हो गई आइसोटोप्स का, आइसोटोप्स समस्थानिकों की खोज हो गई, समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक एक समान, परमाणु भार अलग अलग था। तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक आ गए, 1H1, 1H2, 1H3। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसमें सबका परमाणु क्रमांक एक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। जब आप परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रख रहे हैं तो आप हाइड्रोजन के ही एक समस्थानिक को पहले, दूसरे समस्थानिक को दूसरे और तीसरे समस्थानिक को तीसरा स्थान देना होगा। अब यहां पर इनकी आवर्त सारणी टोटल फेल कर जाती है जब समस्थानिकों की खोज हुई। समस्थानिकों का चूंकि परमाणु क्रमांक एक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है, इसके कारण से क्या है, अलग अलग परमाणु भार है तो आप परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो सभी समस्थानिकों को अलग अलग स्थान चाहिए। कार्बन है तो कार्बन 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। आवर्त सारणी में एक ही तत्व को कई स्थान की आवश्यकता होने लगी, इसके कारण से मेंडलीव की आवर्त सारणी टोटली फेल हो गई। लेकिन हमारे रसायन विज्ञान के विकास में मेंडलीव का अपूर्णीय योगदान है,
जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है। पहला सबसे पहले पहले काम करना ही एक क्रांतिकारी कदम होता है। तो मेंडलीफ ने वो बीड़ा उठाया, वो जिम्मा उठाया कि नहीं, समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख करके जो इतने तत्व 58 तत्व हैं उनको हम कुछ छोटे भाग में करके और उनका अध्ययन आसान कर देंगे। तो मेंडलीफ निश्चित रूप से बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला था मेंडलीफ का। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जिसको मेंडलीफ की आवर्त सारणी बोला जाता है। 1871 में इनकी आवर्त सारणी आई। आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई गई। इसमें 12 क्षैतिज पंक्तियां थी जिसको सीरीज, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिसको वर्ग अथवा समूह ग्रुप बोला गया। इनकी आवर्त सारणी समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा, इसलिए तत्वों का अध्ययन आसान हो गया। कुछ स्थान खाली रखा जिसके गुणों को आवर्त सारणी के द्वारा ज्ञात करके आसानी से खोज लिया गया, तो खोज अनुसंधान में बड़ा महत्वपूर्ण रोल आया। फिर लिमिटेशंस यानी कि दोष क्या क्या रह गए, तो भिन्न गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। क्षार धातु एल्कली मेटल और सिक्का धातु क्वाइन मेटल में बहुत अधिक भिन्नता होने के बावजूद एक साथ पहले समूह में रख दिया। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी, लेकिन 18 अर्गन 40 को 19 पोटेशियम 39 के पहले स्थान दे दिया गया, जो कि बाद में चलकर के पता चला कि सही तो है लेकिन मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार ये सही नहीं है। और समस्थानिकों की खोज होने के पश्चात आवर्त सारणी टोटली फेल कर जाती है, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान की आवश्यकता है। आई बात समझ में? मेंडलीफ का आवर्त नियम, ठीक है। अब देखो मेंडलीफ के आवर्त नियम के बाद इनका जो तमाम दोष निकल करके आ गया, तो अब उसके आधार पर आया, उसके दोष को दूर करने के लिए मोजले ने एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया जिसको आधुनिक आवर्त नियम भी बोला जाता है। मोजले का आवर्त नियम क्या था? मोजले ने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ति फलन होते हैं। मोजले का आवर्त नियम, मोजले के अनुसार क्या था? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात एक निश्चित परमाणु भार नहीं, एक निश्चित परमाणु क्रमांक के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic function of their atomic number.
तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, अर्थात तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक केवल प्रयोग करने से मेंडेलीफ आवर्त सारणी का जो मेन दोष था, जो मेजर दोष था, वो अपने आप दूर हो गया। जैसे 18 आर्गन 40 को 19 पोटेशियम 39 के पहले रखा जाना सही था, क्योंकि ये अपने परमाणु क्रमांक के सही क्रम में थे। इसका परमाणु क्रमांक 18 था तो पहले रखा जाना चाहिए, इसका परमाणु क्रमांक 19 है तो पहले रखा जाना चाहिए। परमाणु भार से कोई मतलब नहीं है। मोजले ने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात एक निश्चित परमाणु क्रमांक के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। आ रही बात समझ में? इसमें तो परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक शब्द प्रयोग करने से मेंडेलीफ आवर्त सारणी का प्रमुख दोष दूर हो गया। 18 आर्गन 40 को 19 पोटेशियम 39 के पहले रखा जाना सही हुआ, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 18, इसका परमाणु क्रमांक 19। परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। फिर चूंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक समान होता है, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में केवल एक स्थान की आवश्यकता हुई। हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों का परमाणु क्रमांक एक है। परमाणु भार भले अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक एक है, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में केवल एक स्थान की आवश्यकता थी। कार्बन 6, कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14 ऐसे था, तो इसमें सभी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसलिए आवर्त सारणी में केवल एक स्थान, छठे स्थान पर इसको रखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेंडेलीफ के आवर्त सारणी का जो प्रमुख दोष था वो दूर हो गया मोजले के इस आवर्त नियम के द्वारा। तो इस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे आवर्त सारणी का स्टार्ट हुआ, कैसे हम तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना शुरू किए, भले वो परमाणु भार के आधार पर मेंडेलीफ के द्वारा थोड़ा सा भूल था, लेकिन वही बहुत ही क्रांतिकारी घटना हमारे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हुई। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। पहली बार किसी चीज का खोज करना वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है, उसमें सुधार कर देना, सुधार करके प्रस्तुत करना, उसकी तुलना में थोड़ा सा कम महत्व है। तो मेंडेलीफ का आवर्त नियम आया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है, जबकि मोजले ने बताया तमाम दोष के बाद, मोजले ने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक नहीं, सॉरी उसके परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसके आधार पर इन्होंने मेंडेलीफ आवर्त सारणी का जो मेन दोष था उसको दूर कर दिया कि 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 39 के पहले रखा जाना सही है, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक के सही क्रम में है। हाइड्रोजन का चूंकि परमाणु क्रमांक सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक समान होता है, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में केवल एक स्थान की आवश्यकता है। आ रही बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा विश्वास है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप नोट्स खुद बनाते जाएं, अपना नोट्स खुद बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, किसी और का नोट्स नहीं समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।